गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर सेकंड, बचपन। बचपन पाठ का शेष भाग। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी। तो लेखिका ने यहाँ बताया है कि हमारे ननिहाल के घोड़े बड़े हष्टपुष्ट और खूबसूरत होते थे, इसीलिए हम शिमला के घोड़ों को कुछ कम समझते थे। शाम को रंग बिरंग के गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। तो लेखिका बताती कि शाम के समय जाखू के पहाड़ पर एक ऊंचा चर्च था। जब उसकी घंटियाँ बजती थी तो उस घंटों जो संगीत निकलता था तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहना चाह रहे हो। और शाम को रंग बिरंग के गुब्बारे बेचने वाले भी वहाँ आ जाते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक और माल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल। लेखिका ने यहाँ बताया है कि शिमला का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी और छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, एक और लाल टीन का छत्तर वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। तो सर्वर यहाँ इस कहानी में एक पात्र है जिसको लेखिका बचपन की बातें बता रही है। तो उन्होंने कहा कि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी, उसकी दुकान के शो रूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था जो पटरियों पर खड़ा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उनको देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो वह गायब, और उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। तो लेखिका ने बताया कि वो शिमला कालका ट्रेन सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी, और कभी कभी वहाँ हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। और जब भी दिल्ली से कोई हवाई जहाज की आवाज़ आती थी निकलता था, तब लेखिका कहती थी कि बच्चे उनको देखने के लिए बाहर दौड़ते थे, और ऐसा लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। लेखिका बताती यहाँ आगे कि हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के पास ही एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका ने कहा कि इसी मॉडल की दुकान के पास ही एक और दुकान थी जहाँ पर मेरा पहला चश्मा बना था, और वो जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे, इसीलिए वो मुझे दुकान आज भी याद है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेखिका कहती कि जब मैं पहली बार ना ये चश्मा लगाया तो बड़ा मुझे अजीब सा लगा था, और सभी छोटे बड़े सब मेरे चेहरे को देखकर बोलते कि तुम्हारी आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, तुम दूध पिया करो। और मैं भी उनको डॉक्टर साहब का कहा वापस दोहरा देती थी, कहती थी कि कुछ देर पहनूंगी तो मेरा चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात की टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका ने बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन ही भरोसा दिलाया कि मैं चश्मा लगाऊंगी तो कुछ समय बाद ही उतर जाएगा, लेकिन वह चश्मा आज तक नहीं उतरा। हाँ, नंबर उसके कम जरूर हो गए, लेकिन इसके जिम्मेदार मैं अपने आप को स्वयं मानती हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी की जगह रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर काम किया करती थी, और जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई थे जो मुझे देखकर चिढ़ाते थे। आँख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, मैं खींच की मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। लेखिका कहती थी कि मुझे उस शेर को सुनकर या उस कविता को सुनकर झुंझलाहट होती थी, पर मुझे ये शेर बुरा नहीं लगता था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ। लेखिका कहती जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और बार बार अपना चश्मा पहनती, फिर उतारती और देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी सूरत लंगूर की लग रही है क्या। दम दिल करता कि नहीं नहीं कभी करता कि हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है।
लेखिका कहते हैं कि धीरे धीरे ये चश्मा मेरे चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया कि अब मैं जब चेहरे से अपना चश्मा हटा लेती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। तो लेखिका ने कहा कि मुझे बचपन का वह टोपा और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर वाली सूरत मुझे याद आ गई है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका कहती है कि मैं उस समय जब छोटी थी तो सिर पर ना रंग बिरंगी हिमाचली टोपियाँ लगाती थी शिमला में, लेकिन अब तो मैं दुपट्टों का ओढ़ना ओढ़ती हूँ। यानी मैं जब बचपन में किस तरह की टोपियाँ पहनती थी और किस तरह का रहन सहन था, लेकिन अब मेरा रहन सहन बदल गया। इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन की बातों का जिक्र किया है और उनकी यहाँ पर चर्चा की है।